सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि ये वाले जो लाइट्स है ये हमारे घरों में आजकल जो है बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। ये जो एलईडी लाइट्स कह लेंगे, एलईडी बल्ब, ये जो है बल्ब, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी कंपनी का हो। तो मैं आपको बताऊंगा ये आप किस तरह से इसको खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट जो है वो 1-2 रुपए या फिर कह लेंगे वो भी नहीं होगी। तो फ्री में ही आप इसको जो है कैसे रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं, आप अकेले ही खुद ही, आप प्रॉपर काम नहीं भी जानते तो आप फिर भी इसको जो है रिपेयर कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास एक होल्डर होना चाहिए स्विच में लगाएं, और आप जो है किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे वो सीख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही मिलती रहे और आप देखकर फायदा उठाते रहें। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि इसका ये जो ऊपर कवर है इसको कैसे आपने ओपन करना है। सिंपल, आप इसको इस तरह से जोर लगाएंगे तो ये ओपन हो जाता है। अगर कई बार नहीं ओपन होता क्योंकि ये टाइट होता है, तो आप जो है इसकी इस साइड पर थोड़ा सा इसको जो है हिट करें, ओके, हैमरिंग करें, हैमरिंग थोड़ा हिट करेंगे इस तरह से घुमाकर, तो आसानी से जो है ये आप ओपन कर पाएंगे। ओके, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये ओपन हो चुका है। इसी तरह से आप इसको जो है इस तरह प्रेस करेंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इसको रिपेयर करना सीख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइट्स हैं। बहुत ही आसान है इसको ट्रेस करना, इसको रिपेयर करना। तो चलिए मैं स्विच को ऑफ करता हूँ पहले, और यहाँ पर जो है इसको लैंप पे लगा देता हूँ। अब ये ऑन नहीं हो रहा। ओके, मैं अभी इसको ऑन कर लेता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ इसको ऑन करके। ओके, आपके सामने अभी ये ऑन किया मैंने तो ये ऑन नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि आपने कैसे अब इसको टेस्ट करना है। आपने स्विच को ऑन ही रखना है। ओके, अब आपने एक कोई भी एक इस तरह से वायर बना लें, बहुत ही आसान है। दोनों तरफ से आप इसको थोड़ा सा छील लें और सेंटर से इसको आप जो है बेंड देकर इस तरह से वायर बना लें। मतलब कि किसी भी दो एक लाइट है फॉर एग्जांपल, उसके दोनों पॉइंट्स को आप शॉर्ट करने के लिए इसको बना रहे हैं। ओके, अब इसमें जो है कितनी सारी आप देख सकते हैं लाइट्स हैं। अब लाइट्स में जो है एक इस तरफ प्लस माइनस दोनों तरफ है। आपने सबको एक एक करके जो है टेस्ट करना है, दोनों तरफ से शॉर्ट करना है जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ। इस तरह से आप इस दोनों को देखते जाएं। ओके, इन सबको आपने देखते रहना है। ठीक है, इसी आप मैं देख लेता हूँ। इसमें एक आधी कोई ना कोई लाइट जो है वो जली होगी, जिसकी वजह से ये लाइट पूरे का पूरा सिस्टम ऑफ हो चुका है। वो लाइट, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये उस लाइट को शॉर्टेज करना है, तो मतलब कि उसका सर्किट जो है गुजार देना है। तो वो लाइट जो है वो जली है, उसकी वजह से सर्किट रुका है, और ये उसका सर्किट गुजार देगा और लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। ओके ओके, तो ये वाली लाइट जो है इसकी खराब है। ओके, तो इस लाइट को आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि ये वाकई में ही जली हुई है। मैं फोकस करता हूं यहां पर, आप देख सकते हैं ये लाइट ऊपर से ही बीच में ब्लैक ब्लैक सा है, एक निशान सा बन गया है, ये जला हुआ है। तो मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये ऑन हो गया। अब ये लाइट भी आप चेंज कर सकते हैं, पुराने बल्ब से उसको उतार के लगाएं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा और सही से आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, आप इसको जो है सोल्डर कर दें। जैसे मैंने इसको इस तरह से शॉर्ट किया, इस तरह से आप सबको चेक करते जाएं, यानी कि दोनों तरफ से आपको शायद नजर आए इसमें जो है साइड पर प्लस माइनस के लिए वो निशान है, तो वो जो है आप इसको शॉर्ट करते जाएं। ठीक है, अब ये हमारी लाइट प्रॉब्लम निकली। इसको जो है मैं अभी रिपेयर कर देता हूं, मतलब कि यहां पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूं, क्रॉस कर देता हूं, मतलब कि सर्किट इसका गुजर जाएगा आसानी से, वो बल्ब हमारा चालू हो जाएगा। तो मैं इसको जो है सोल्डरिंग कर देता हूँ यहां से रखकर यहां तक। ओके ओके, तो सबसे पहले मैंने लाइट को जो है स्क्रू की मदद से जो है अच्छे से ऊपर से उतार दिया है। अब इसको जो है मैं प्रॉपर सोल्ड कर दूंगा, सोल्डरिंग कर दूंगा आयरन की मदद से, सोल्डरिंग आयरन की मदद से, तो ये आसानी से जो है सोल्व हो जाएगा। फिर हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी जो है इसको सोल्डरिंग करके ही फारग हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि मैंने इसको जो है सोल्डर कर दिया है, मतलब इसको आपने ये अच्छे से ऊपर से हटा देना है इसकी जो लाइट है, और जो नीचे इसकी बेस होगी पॉइंट होगा उसको आपने कनेक्ट कर देना है आपस में सोल्डरिंग की मदद से। ओके, सोल्डरिंग से अच्छे से इसको जो है अपने फिल कर देना है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो जब शॉर्ट होगा तो ये आसानी के साथ काम करेगा। आगे हमने इसके साथ शॉर्ट किया था, अब हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, ये अच्छे से काम कर लेगा। ओके, तो मैं इसका जो है ये ऑफ कर देता हूँ।
ओके ओके, तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं ऑफ हो चुका है। ओके तो चारों तरफ से अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको जो है इसमें लगा देता हूँ। ओके तो इसको आप अभी चेक कर लेते हैं ऑन करके। ओके तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से, और रोशनी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लाइट कम हुई है उससे कोई मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल कॉस्ट भी नहीं आई, ये हमारा काम जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस तरह से जो है बल्ब को, एलईडी लाइट को, इस तरह के बल्ब्स को आप जो है अच्छे से खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं है तो आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हमारी ऐसी तमाम आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।